हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया और नया व्लॉग। सो गाइस, 1 अप्रैल के बाद में गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया था कि गाड़ियां जो है BS6 Phase 2 नॉर्म्स को फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो वो रजिस्टर नहीं होगी। जिसके लिए टाटा ने अपनी गाड़ियों को लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस लेने, उनके बारे में जानने के लिए इस वक्त आए हैं हम पुणे के अंदर, और टाटा ट्रेनिंग सेशन जो है वहाँ पर हमारे छोटे मोटे सारे के सारे सवालों के आज हम जवाब लेकर ही जाएंगे, जो कि है कि BS6 Phase 2 होता क्या है, उसके अंदर गाड़ी में कौन कौन से चीज़ों में चेंज होगा, टोटल कीमत में कितना फ़र्क आएगा, साथ के अंदर और क्या क्या मिल रहा है। सो उसके लिए हम आए हुए हैं आज ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पर अभी हम जाएंगे सीधे के सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल। वहाँ मिलेंगे हम सारे के सारे विद्वान इंजीनियरों से और वो लोग हमें बताएंगे कि गाड़ी में टोटल मिलाकर चीज़ें हुई क्या है। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर आज मिलवाते हैं आपको बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स से और एक्सपीरियंस कराते हैं। हाँ, और पीछे की तरफ है बहुत सारी गाड़ियाँ, थोड़ी देर में उनका एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, आ चुके हैं हम कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर और कुछ ही देर में इवेंट स्टार्ट होने वाली है। साथ ही के अंदर हम मिलवाते हैं कुछ और यूट्यूबर्स से। सो सबसे पहले भाई, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। नाम है माय मोटर गाड़ी, माय इंस्टाग्राम पे भी सेम माय मोटर गाड़ी है, फेसबुक भी माय मोटर गाड़ी है। और माय मोटर गाड़ी को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा होता हूँ, और स्पेशली जो फनी कॉन्टेंट एक्स्ट्रा जो है बोनस उसके लिए, और मुझे जो लेटेस्ट आपने जो बनाया ना हाईवे वाला, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाईवे पे बूथ किस लिए होने चाहिए। साथ में कुछ और भाई लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे। सो आप मुझे बताओ, आप लोगों के चैनल का नाम भी बताओ यार। माई चैनल नेम नीलू आर साटा मोबाइल। नाइस, तो डेफिनेटली आई विल फॉलो फॉर दिस रिकवरी। और सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी ऑल आर टुगेदर, है ना। सो नाइस, आपके चैनल का नाम बताओ। एनएच मोटो फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम हैदराबाद। तो ठीक है गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हम सब भाइयों के चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही के अंदर हमारे पुराने भाई से मिलते हैं, जोजो भाई की जय हो। जय हो। सो सबसे पहले आपके चैनल का नाम बताओ। अपने चैनल का नाम है पावर रेसर, आज हम आए हैं टाटा के इवेंट में। यस, और अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को। हाँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम सबको और भी हो सकता है बहुत अच्छी चीजें समझ में आए यहाँ से। यस यस, नाइस। इन 2017 टू एक्चुअली माइग्रेट टू स्ट्रेट टू द BS6 Phase 1 इन 2020 इन अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स, नाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड टू अबाउट 7 to 9 इयर्स, ऑन एन एवरेज से 8 इयर्स for this kind of a migration in their countries. And in India, we actually were challenged to do the same in a span of 3 years. Now what it meant for Tata Motor was to undertake the complete product transformation from the BS4 to BS6 across its vast range of the passenger and the commercial vehicles. So while we knew that the BS4 to BS6 is going to significantly call for deployment of a technology and the attendant increase in the vehicle cost, but it was very clear to us what matters to the customer is the customer facing attributes. And therefore, as a part of the plan of a migration from BS4 to BS6, we decided to go beyond mere the initial regulation, but offer something which actually provides a value to the customer. So the journey to provide the value to the customer became a central theme of a regulation migration for Tata Motors, and therefore the products which got launched under the BS6 Phase 1, which actually got implemented from 1st of April 2020, we had an all-round the product enhancement, I would say. It was a complete product transformation journey, and we actually, in the case of a commercial vehicles, we increase the vehicle performance in terms of the engine power and torque. The torque at the wheel, we also improved the total cost of ownership. The fuel efficiency, we actually brought in for the first time a very comprehensive suite of the connected vehicle features. The safety was taken to as the central theme for the commercial vehicles, and we also came up with the design language for the commercial vehicles, and we also kept the driver at the center of the vehicle and entire migration in terms of the accommodation and the usage or the comfort and the convenience what is offered to the commercial vehicle operator.
So all of this while we did as a part of the migration from BS4 to BS6 phase 1, but it was very clear at that time that the phase 2 of the BS6 was not going to be far away, and the date that was announced was the 1st of April 2023, which is just the last month that we have done the migration to the BS6 phase 2. Now what this BS6 phase 2 meant? Now I'll tell you something first about in terms of the regulation. There are four major interventions from BS6 phase 1 to BS6 phase 2. And what are those four? The first one is about becoming the OBD. The OBD regulation becoming much more stringent. Now what is OBD? It is nothing but the onboard diagnostic, which means, if there is a likelihood of the emission threshold exceeding the norm, there has to be the indication to the operator or the driver that there is the possibility that you would actually exceed the emission value, and therefore there is something which is going to go wrong, and with the help of number of sensors which are provided on the vehicle, the driver gets actually the indication that he needs to actually do the servicing of the vehicle. Now servicing not the entire vehicle, but in the area where the input actually comes to the driver on the OBD monitor, and therefore that particular area actually can be serviced. Now this OBD, though it started I would say in the BS4, it became significantly stringent in the case of the BS6 phase 1, and it became even more stringent in the case of the BS6 phase 2. And so almost the OBD norm I would say is approaching the type approval is for the new vehicle, whatever the regulation. That is the kind of a norm which is becoming applicable now for the BS6 phase 2 vehicle. So this is one of those four what I said. The number two significant intervention of the BS6 phase 2 is about IUPR. Now this is the jargon. IUPR is the in-use performance ratio, which means how often you are actually doing the monitoring of the OBD parameters. And there is a requirement as per the regulation and as a part of the development of the product and the technology deployment, we actually take care of the fact that the IUP requirements need to be met. So that's something which is the second part of the BS6 phase 2 regulation. The third one is about the in-service conformity. In-service conformity means that, how robust is the emission performance of the vehicle throughout its normal useful life. And one is supposed to actually monitor the emission performance depending on the category of vehicle for say 1 lakh kilometer, up to 1 lakh kilometer, up to 3 lakh kilometer, up to 7 lakh kilometer. So that is a kind of a stringency which is there. And the fourth one and the most important is about monitoring the emissions on a moving vehicle called as a RDE, which is the real driving emission. And what you do there is actually you connect the big set of equipment to the tailpipe of a vehicle and do the measurement of the emission on a route which is defined by the regulators and acquire the emission profile from the tailpipe of the vehicle, and the values need to be below certain threshold values. You want to become a better than the best. So that means we want to compete with ourselves and we want to be better than them. So for us, when we migrated from a BS4 to BS6 or from a BS6 phase 1 now to BS6 phase 2, importantly, the fuel economy, total cost of ownership, comfort, convenience, and durability, reliability, and safety has been our leadership attribute. And we are always working on all technologies to take it to the next level. गाड़ी जब एक साल चलने के बाद जो structures में अगर deformity होना शुरू हुई तो जो भी parts उसमें fitted हैं वो खड़खड़ करने लगते हैं. And that is the biggest irritant in the bus. तो plus ride comfort in any case, अगर झटके लगेंगे और राइड स्मूथ नहीं होगी तो बस का कोई वैल्यू नहीं है. सिमिलरली एर्गोनॉमिक्स एंड फटिक रिडक्शन, ड्राइवर कंफर्टेबल नहीं होगा तो बस में पहली बार ट्रिप्स की प्रॉब्लम आएगी, दूसरी बार सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज आएंगे. कनेक्टिविटी, आज का जमाना रेड बस का है, आज का जमाना दूर से बस को मॉनिटर करने का है. एक वीडियो हमारा कनेक्टिविटी पर है जो आपने देखा होगा. देन देर इज ड्राइवर का कम्फर्ट इन द सेंस, कई बार ड्राइवर्स विंडस्क्रीन से दूर बैठे हैं, ऐसा आपने देखा होगा मार्केट में. कई बार जब बस बॉडी कोड नहीं भी होता था तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करते थे लोग मार्केट में, कोई उसको डोर फिट करने के लिए
वो ड्राइवर के आगे वाला FES जो होता है उसको एक्सटेंड करके आगे कर देते थे, ये सोचे बिना कि ड्राइवर पीछे रह गया। अब उसकी देखने की शक्ति जो है वो स्क्रीन का जो बेस है वो उसकी विजन को ब्लॉक करेगा। बट पिछले दो सालों में जो बस बॉडी कोड इंप्लीमेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने FES को लोअर भी किया, विंडशील्ड को ब्रॉड किया सो दैट उसकी विजिबिलिटी बढ़े। तो इन चीज़ों को इसमें हमने कैप्चर किया है। इसके अलावा डिज़ाइन स्टाइलिंग बसेस में कस्टमर्स, अगर हमारे कस्टमर का कस्टमर उसके पास आना है तो बस उसको अच्छी भी दिखनी चाहिए, सुंदर भी लगनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन द BS6। बिजनेस स्टार्टअप, तो दिस इज अ बिजनेस स्टार्टअप व्हीकल रेंज। तो जब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आगे उनको जॉब करना है या उनको कोई बिजनेस करना है, तो पिछले 15 साल में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन गाड़ियों के थ्रू टाटा मोटर्स ने किया है। और हमने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स की फाउंडेशन भारतवर्ष में रखी। तो जब फेज टू की बात आई तो टाटा मोटर्स की फिलॉसफी है कि कोई भी रेगुलेशन जब हम लगाएंगे साथ में तो कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, तो वैल्यू एनहांसर्स कितने आप दे सकते हैं कस्टमर्स के लिए, उसका वैल्यू क्रिएशन आप क्या कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रेगुलेशन तो 3 साल में 5 साल में 6 साल में जब भी आएंगे, तो हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया कि कस्टमर का बेनिफिट हम कैसे करा सकें, रेगुलेटरी नीच की है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कस्टमर को कि जब गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी करती है और 5 गियर उसमें हम लगाते हैं, तो सपोज आप डेली 80 किलोमीटर चल रहे थे डेली का, अब आप ज़्यादा ट्रिप्स कर सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम ऑफ ट्रिप इज रिड्यूस्ड। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मान लीजिए उसको 2 घंटे लग रहे थे, अब वो मे बी 1.5 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कैन इंक्रीज, तो उसका व्यापार बढ़ता है, उसकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ऑयल चेंज जो 80,000 था उसको 1,00,000 पर किया, तो इंजन ऑयल जो था पहले उसकी लाइफ बढ़ाई। तो ये सारे चीज़ करने से क्या है कि गाड़ी वर्कशॉप में जाना कम होती है, उसका एडवांटेज ये होता है कि एक बार जो आपने सर्विस शेड्यूल लिया है बस उसके हिसाब से ही आपको उसमें जाना है और रिलायबिलिटी इससे इम्प्रूव होती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं एक्टर नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। ओके, सो आई विल नॉट गो टू बॉलीवुड, लेट अस स्टे हियर। देश की ट्रक, हम अभी बात करेंगे देश की ट्रक को लेके। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट टाटा ट्रक्स डिड इन द लास्ट 70-75 इयर्स। रोड बनाइए, ड्रम डैम्स बनाइए, घर बनाइए, सो एंटायर कंट्री को बिल्ड किया है, सही है नहीं? तो सही है, आवाज सही है। एग्जैक्टली, सो वो लेके BS6, BS0, BS1, BS2, BS3 लास्ट 30-40 साल से बहुत सारा चेंज हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ गया, हाइड्रोजन ट्रक आ गया, अभी आपको हम मुलाकात होता रहेंगे नेक्स्ट 30 साल में। आई थिंक हम लोग बहुत साल मिलना पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आप लोग लेके ये मैसेज क्यों वो ड्राइवर मैकेनिक्स सबको आप कम्युनिकेट कर, आप नहीं है तो हम लोग कितना लोग काम मिल पाएंगे। बिल्कुल सही बात, मुश्किल है। सेल्समैन हमारे पास 300 लोग हैं, 300 लोग को कितना लोग काम मिलेंगे, मुश्किल होती है। सो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपके लिए एक धन्यवाद, इतना दूर आप आए हैं, थैंक यू सर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज को बताएंगे, तो इसको कैसा और सही चीज को आप कम्युनिकेट कर पाएंगे तो बढ़िया होगा हमारे लिए भी। सो हम लोग जाके लेटर ऑन हम लोग उनको मिल सकते हैं, कम्युनिकेट और भी बेटर कर सकते हैं। सो इधर ज्यादा मैं अंग्रेजी में नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन होती है, ड्राइवर के लिए एक होती है, ओनर के लिए एक होती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अभी स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, उनका एक अलग से होता है, कम सस्ता में गाड़ी लोड लेकर डिलीवरी करना पड़ती है। ड्राइवर को होता है अच्छा एसी, एयर कंडीशनिंग चाहिए, तेल बचना चाहिए, फिर जल्दी पहुंचना चाहिए, एंड 6-7 घंटे के बाद उनको टायर्डनेस नहीं होना चाहिए।
सही है, बिल्कुल सही है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। सो इसको बार बार हम जाके मिलते हैं, ड्राइवर को, मैकेनिक को, कस्टमर को, कॉन्ट्रैक्टर को, सबको मिलते हैं, चेंज होता जाता है, उनका नीड भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन को एक बार कस्टमर को मिलके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप लोग भी बहुत सारा यूट्यूब में लिखते हैं, बहुत सारा ना वो भी हम लोग देखते हैं, उससे भी हम लोग सीख के उसको लेके डिजाइन करने के लिए हमारा इनपुट मिल जाती है। सेकंड, सर्विस एक्सपेक्टेशन होती है। सर्विस क्या होता है, पीस ऑफ माइंड। वर्कशॉप, मैकेनिक गाड़ी है तो मैकेनिकल गाड़ी रिपेयर होती है, ट्रबल आता है, कितना जल्दी हम लोग सर्विस सुविधा दे सकते हैं, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कोई भी गाड़ी हो, रिपेयर होता है, कैसा हम लोग सर्विस नेटवर्क डेवलप करके वो उसका एक्सपेक्टेशन, ऑन साइट सर्विस रहता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, फुल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। किसी को नहीं, नहीं मेरे काली सर्विस, काली मेरे को तेल बदलना, फिल्टर चेंज करना, उतना ही चाहिए, बैलेंस किसी जरूरत नहीं करती है। डिपेंड्स उनको बजट बेसिस पे, उनको टेलर मेड पैकेज मिलना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन। वो सब स्टडी करके कस्टमर एक्सपेक्टेशन को ये BS6 फेज 2 में हम लोग कंप्लीट प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो भाई लोगों, अभी हुआ एक छोटा सा चाय ब्रेक, और जिसमें हो रहे हैं और खूब सारे डिस्कशन। बाकी सारे के सारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं, अच्छा है वहाँ पर बैठकर हम सारे के सारे और भी बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रक्स। आप कई लोगों से हम लोग मिले ऑटो एक्सपो के टाइम पे, और वहाँ पे सवाल ये किया गया था कि आगे चल के क्या OBD स्टेज 2 में आप लोग क्या लेके आएंगे, किस तरीके से लेके आएंगे। और कुछ झलक जो है, चाहे वो OBD 2 का हो या उससे भी आगे, यू नो सम ग्लिम्सेस अबाउट द फ्यूचर वी हैड गिवन इन द ऑटो एक्सपो, बट आई थिंक दिस मीटिंग हियर इन पुणे वी आर वेरी एक्साइटेड कि आप सभी लोग आए हैं इतने दूर दूर से, एंड दिस विल गिव अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द होल रेंज। ऑटो एक्सपो में एक लिमिटेशन हो जाता है स्पेस के वजह से, लेकिन जब किसी ने विद हार्ट एंड सोल जिसको कहते हैं गाड़ियां बनाई हो, और वो भी 1000 के ऊपर वेरिएंट्स, तो हमें भी उतना ही मजा आता है दिखाने में जितना आप लोगों को आता है इन टर्म्स ऑफ समझने में कि किस तरीके से बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगर आप पिछले 6 साल का जर्नी देखें, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि वाहन मार्केट शेयर हो या जो सायम मार्केट शेयर हो, टाटा का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है हर साल, किस वजह से बढ़ा हुआ। तो जब BS4 की गाड़ियां बनाई गई थी और उसको BS4 से हम लोग BS6 पे लेके आए थे, इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे, देयर वर नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स व्हिच हैड बीन डन, देयर वर न्यू इंजन सिस्टम्स, टॉकिंग सिस्टम्स, यू हैड लोड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, यू हैड टनेज नोट्स जो अलग लाया गया था फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, एंड द रेंज फोकस्ड ऑन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, फ्यूल एफिशिएंसी, इट फोकस्ड ऑन connectedness, it focused on safety, it focused on reliability, ये सारे हमारे pillars थे जिसके basis पे ये पूरा range design किया गया। अभी BS6 phase 1 और OBD2 जो पहला अप्रैल से जो लागू हुआ है, इसके बीच में भी पिछले साल गए साल में सितंबर के महीने में हम लोगों ने एक FE सीरीज भी लॉन्च किया था ताकि उसका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े। तो आप अपने गाड़ियों के साइड में ग्रीन कलर का स्टिकर देखेंगे FE, विच इज फ्यूल एफिशिएंट सीरीज, तो उसका लॉन्च हुआ था सितंबर पिछले साल में, जो कस्टमर्स भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसमें द फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज वॉज 3-4%। कोशिश ये रहा था कि BS4 से BS6 में हम लोग 6-10% का एफिशिएंसी लाएंगे। फ्यूल एफिशिएंसी सीरीज जो पिछले साल लॉन्च किया गया उसमें 3-4% का इंप्रूवमेंट था, और आगे चल के OBD2 में इसी फासले को हम लोगों ने कम से कम 4-8 कहीं पे 10% ज्यादा इसको बढ़ाया है। गाइस आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इंडिया के जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स है गाड़ी से रिलेटेड, वो सब लोग इकट्ठे आए हुए हैं।
ठीक है। तो कस्टमर्स जो गाड़ी खरीदते हैं वो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं। जैसे जैसे इमिशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी की सोफिस्टिकेशन बढ़ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसका दाम भी बढ़ रहा है, बट कस्टमर को उसकी वजह से आपके जो रेट्स मिलते हैं उनको पर किलोमीटर वो शायद उतना ना बढ़े। तो हमारी तीन चार सोच थी जिसके तहत अनिरुद्ध उनकी टीम ने पूरा काम किया। पहली चीज़ तो ये कि अगर गाड़ी का दाम बढ़ रहा है तो कस्टमर की कमाई कैसे हम वो रखें, और उसका एक जरिया जो हमने पकड़ा वो पकड़ा कि फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि उसका खर्चा कम हो जाए। तो बनिस्पत पहले की गाड़ियों के आपका खर्चा कम होना चाहिए ताकि आपकी कमाई हो रहे। दूसरा उसका कंफर्ट, उसकी सेफ्टी इन्हांस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए एंड अक्रॉस द रेंज। मेरे ख्याल से काफ़ी फीचर्स हमने ऐसे ऐड किए जिससे कि कंफर्ट और सेफ्टी बढ़ी है गाड़ियों की हमारी जो अभी आ रही है। तीसरा, आपने 8 लाख का छोटी गाड़ी खरीदी या 50 लाख की बड़ी गाड़ी खरीदी, आपका यूटिलाइजेशन उस एसेट का कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए हमने टेलीमैटिक सॉल्यूशन भी लेके आए ताकि गाड़ी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आराम बढ़ा, तो ये सब चीज़ें लेके कस्टमर को जो एक कमर्शियल व्हीकल का कस्टमर है पैसा कमाने का जरिया बढ़ा और साथ में उसकी आराम और सेहत को भी फायदा हुआ। तो ये सब सोच के साथ अलग अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी ला के, नए सेंसर्स लगा के हमने कोशिश ये की है कि हमारे कस्टमर्स को और बेहतर, केवल इमिशन नहीं मीट किया हमने, कस्टमर की तरफ से सोचते हुए हम कैसे गाड़ियों को अपनी बेहतर करें, वो पूरी एक कोशिश रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। और जो अब हम आज गाड़ियां ले जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर्स को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी और वो उस चीज़ के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसके लिए वो विचलित नहीं हो रहा। स्टीयरिंग जो आप देखते हैं, पहले आपको याद होगा कि अगर ड्राइवर स्टीयरिंग का टर्न लेता है दो हाथ से स्टीयरिंग में खींचता था, आज इट इज लाइक अ पड़ ये जो रिसर्च एंड वर्क होता है, आर&डी वर्क होता है, उसमें सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उषा की किरण से मैं आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो सर टाटा मोटर्स की सारी टीम को वेरी और सपोर्ट बहुत बधाइयाँ हैं, जो कि देश के ट्रक्स बनाने वाली कंपनी ने इस ओर जो है काफ़ी सारी जानकारी हम तक पहुँचाई है और हमारे व्यूवर्स तक भी पहुँचे। इसी संदर्भ में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईडी कंप्लाइंट जो अपनी गाड़ियाँ आएगी तो उन गाड़ियों की परफॉर्मेंस पे सर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर हम सीधे शब्दों में अपने व्यूवर्स के लिए बता पाए तो। मैं ये सवाल हमारे राजेश खन्ना सर से पूछना चाहूँगा। सर प्लीज़ बताइए। आवाज़ आ रही है। सो आपको याद होगा हम बात हो रहे थे मॉडल वाइज क्या टनेज, तीन ऑप्शन इंजन हम दे रहे हैं, 5 लीटर 6.7 5.6 मल्टीपल इंजन पावर नोड ऑप्शन पूरा हम समझाए हैं। उसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कस्टमर को, स्पेसिफिक एप्लीकेशन टारगेटेड गाड़ी को हम लेंगे, इस पे परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5-7% एफई हम लोग व्हाट वी आर कमिटिंग, ईच एप्लीकेशन में हम लोग कमिट कर रहे हैं ये परफॉर्मेंस मिलेगी, एफई एडवांटेज मिलेगी। फिर दूसरा हमारा वॉयल ट्रेन इंटरवल बढ़ाया हम लोग, 80,000 है और टर्बोट्रॉन 2.0 में उसमें 1 लाख कर दिया अभी। सो आपको कास्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट भी कम होगी। सो परफॉर्मेंस तो एफई में खाली नहीं है, सर्विस मेंटेनेंस में कम हो आपको कम होता है, फिर स्पेयर पार्ट्स वो सब चाइल्ड पार्ट्स वगैरह बहुत सारा हम लोग अभी रिलीज किए हैं, आपको पूरा असेंबली रिप्लेस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चाइल्ड पार्ट्स को भी रिप्लेस करके सर्विस कर सकते हैं। हमारा दूसरी एक प्लैटिनम AMC करके हमारा है, सिल्वर प्लैटिनम, ऐसा दो तरीके से टेलर मेड AMC है, उससे वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस है आपको, वो भी हम लोग सब थोड़ा अच्छा सा सुविधा मिलेगी। सो बहुत सारा एडवांटेज है, परफॉर्मेंस तो खाली गाड़ी में नहीं है, सर्विस बैकग्राउंड प्लस अपना गाड़ी में परफॉर्मेंस, न्यू एग्रीगेट्स, ये सब हम लोग दे रहे हैं।
इसी से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल है कि नई गाड़ी खरीदने के लिए ऑब्वियसली पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा कस्टमर को, आपको 6 महीने में मिल जाएगी पैसा। हाँ, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इजाफा होने वाला है सर? सो फॉर एग्जांपल हम लोग कैलकुलेट किए हैं 55 टन ट्रैक्टर है, हमारा स्टार प्रोडक्ट बोलता है, हमारे पास हर टनेज पे एक एक स्टार प्रोडक्ट है। ट्रैक्टर में लेंगे तो 55 टन 4x2 बोलते हैं, राजस्थान एवं पंजाब सबको सबको मालूम है, तो 48 टन कार्गो 48 टन ठीक है। हर टनेज नोट पे हमारा नंबर वन स्टार प्रोडक्ट है, हाईएस्ट मार्केट हाईएस्ट सेलिंग कस्टमर को, इसी से ही उनको अच्छा सा TCO मिलती है, बेटर रिटर्न मिलती है। ये मॉडल में देखेंगे तो मिनिमम 1.2 to 1.3 lakh इस पे मेरे को 6 months में उनको कोई हमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हमारा दाम बढ़ गया स्टील का वजह से अभी की वजह से यार उससे उनको 12 महीने के अंदर उनको पैसा मिल जाएगा। दैट आवर एम्फेसिस हैज नॉट बीन लिमिटेड टू फ्यूल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, इट इज टू डू विद द यूसेज ऑफ द एसेट, द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर। व्हाई द मोर कंफर्टेबल द ड्राइवर इज द लेस इज द स्ट्रेन ऑन द ड्राइवर, इफ द ड्राइवर इज फ्रेश your vehicle will cover better ground, your vehicle and the goods being carried at the back, which sometimes is more expensive than the cost of the vehicle, those remain protected, right? So you want fresh, safe, you know, relaxed, comfortable drivers, you want systems and technology like Aniruddha explained to safeguard the driver. If there is a human error, how can you override the human error to protect the driver, to protect the vehicle, to protect the cargo? All these things are a complete 360 degree wraparound. So I think the day where we talk about only price has gone. But like I said, when I was saying the three categories of customers, the bottom category of customer will always be price sensitive. That is the reality. For them, it is the first time they're upgrading. So they're very price sensitive because for them, the element of risk is very high in this investment. So to your customers who are buying for the first time, our proposition is that we have the value products as well, we have the premium products as well. Please choose what suits your business the best. Ultimately, commercial vehicles is a very simple business. It is a return on investment business. I am putting in 100 rupees, how much return I will get? So wherever you get maximum returns, you should advise your customer to invest their money into that particular brand or product, and we can guarantee you that we are best amongst the best, if not best in class. Engineering or research mein lagatar investment ki hai. Jab hum Pune plant shuru kar rahe the, to humare Murgaonkar sahab, unki shayad tasveer udhar lagi hogi. उन्होंने ये तय किया, क्योंकि उससे पहले हम जर्मन जॉइंट वेंचर में थे, उन्होंने ये तय किया कि टाटा मोटर्स को अगर आगे बढ़ना है तो अपना R&D होना चाहिए, अपना रिसर्च होना चाहिए, और उन्होंने पुणे में स्थापना की एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की, और मुझे बताते हुए गर्व है कि कम से कम 2500 लोग इसमें काम कर रहे होंगे, कमर्शियल व्हीकल साइड पर 5000 लोग तो हैं, टोटल 5000 लोग उसमें काम करते हैं। दूसरा, लगातार अनिरुद्ध और उनके ग्रुप जो है नई टेक्नोलॉजी लाना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं, इस पे लगातार काम होता है। तीसरी चीज, हम कस्टमर्स के बहुत नज़दीक रहते हैं, तो हमारी समझ कस्टमर को क्या चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम उसके लिए यूजफुल बना सकते हैं, उस पे लगातार काम होता है। तो ये एक यूनिकनेस कहें या एक अलग बात कहें, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक राइट मिला है टू ग्रो, वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि लगातार कई सालों से हमने कस्टमर्स के साथ काम किया, हमने रिसर्च में काम किया, हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, और हमारी काबिलियत सर्विस करने की कस्टमर्स को, जितना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा सर्विस सेटअप हमारा है, शायद किसी और का हो। तो कई चीजें हैं जो कई सालों से हमें धरोहर में मिली है, हमारे पूर्वजों ने की, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको आगे ले जाएं। तो अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है,
अभी नए टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन की तरफ अग्रसर हो रही है कई टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम प्रयासरत रहे इन सब में और कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे तो टाटा मोटर्स की यूनिकनेस कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ती जाएगी, ये हमारा दो क्वेश्चन थे आपसे। आपने बताया कि इंजन ऑयल में आरडी नॉर्म्स के लिए स्पेशली क्या रखा गया स्पेशल, और सीएनजी लाइनअप में आरडी की वजह से प्राइस थोड़ी कम आपने बताई कि चेंज होगी, तो उसका क्या रीजन है इंजन ऑयल और सीएनजी लाइनअप? अभी आरडी के लिए हमने सिंथेटिक ऑयल्स यूज किए हैं, लो विस्कस ऑयल्स यूज किए हैं ताकि वो जो फ्रिक्शन बढ़ेगा वो फ्रिक्शन कम रखे, तो हमने सिंथेटिक ऑयल और लो विस्कस ऑयल से ये किए हैं। तो बट ये हमारे टेम्परेचर हिसाब से, सो आप जम्मू कश्मीर जाएंगे इसमें जाएंगे तो लो विस्कस ऑयल नहीं करेंगे वहाँ पे, लेकिन सो सिंथेटिक ऑयल और लो विस्कस ऑयल से हमने किए हैं क्योंकि कई सालों तक डीजल को सब्सिडाइज करके सरकार ने उसको इकोनॉमी का फ्यूल बनाया था। हमारी इकोनॉमी जो थी वो डीजल पे चलती थी और अभी भी काफ़ी हद तक चलती है, लेकिन जहाँ जहाँ पोल्यूशन का प्रॉब्लम आया सरकार ने, जैसे दिल्ली में सीएनजी क्यों मैंडेट की गई, क्योंकि इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल टू मैनेज विद रिस्पेक्ट टू इमिशन। तो जब हम इमिशंस की जर्नी पे जा रहे हैं ऊपर, तो सीएनजी को मैनेज कर पाना फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी यूज पर्सपेक्टिव इज इजियर एंड चीपर देन ट्रीटिंग डीजल, राइट? बट हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि देश में सीएनजी का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट हमारा ये मानना है जैसे जैसे ये पाइपलाइन साउथ तक पहुंचेगी, कन्याकुमारी तक पहुंचाने का इरादा है सरकार का, कि सीएनजी विल बिकम द मेन सिग्निफिकेंट फ्यूल इफ नॉट द मेन फ्यूल इन द कंट्री, एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट रेंज अब दोनों तरीके से फायदा है, गैस सस्ती है, इमिशन कम है, और सरकार ने जो वादे किए हुए हैं ग्लोबल स्तर पे उनको भी मीट करने में सीएनजी हेल्पफुल रहती है। तो हर तरीके से देखा जाए तो सीएनजी एक ज़्यादा प्रभावशाली फ्यूल है बनिस्पत डीजल के, तो इस वजह से सीएनजी का दाम जो है हो सकता है ज़्यादा ना बढ़े, बट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ कस्टमर एंड द सप्लायर। अभी अप्रैल में सरकार ने एक नया मैकेनिज्म दिया, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, जहां उन्होंने एक निर्धारित किया तरीका कि हम गैस की प्राइस कैसे तय करेंगे, और वो अगर आप मैकेनिज्म देखें तो क्लियरली समझ में आता है कि सरकार सीएनजी को सस्ता रखना चाहती है बनिस्पत बाकी फ्यूल से। और जो प्राइस आप बात कर रहे थे, अगर ओवरऑल आफ्टर ट्रीटमेंट कॉस्ट देखेंगे तो आज डीजल में अगर BS6 मीट करना है तो यू आर पुटिंग ऑलमोस्ट लाइक अ केमिकल फैक्ट्री, POC लगाते हैं, एग्जॉस्ट DPF लगाते हैं, SCR लगाते हैं, उसके बाद रीजनरेशन करवाते हैं उसके हिसाब से, एंड इट इज वेरी प्रेशर पुटिंग। वेरा CNG आफ्टर ट्रीटमेंट इज फेयरली सिंपलर एंड लेस कॉस्टली, तो उससे फर्क पड़ता है। बट CNG इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी और वो देख के और उसका प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो चल रहा है उस पर वो निर्भर रहता है, बट फेयरली इट इज लाइक अ 30% पोल्यूटेंट रिडक्शन इट हैपेंस। सो भाई लोगों, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन करने के बाद में अब हम सारे के सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं गाड़ियों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, और मोटा मोटी ये बात समझ में आई कि टाटा ने ना गाड़ियों की जो कॉस्ट में चेंज करा, मगर उसके साथ में ना बड़ा है प्राइस बड़ा है एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से, मगर उसके साथ में बहुत सारे ऐसे फीचर्स एड ऑन एक्स्ट्रा दिए जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो ड्राइव कम्फर्ट है, जो फील है, वो चेंज हो जाएगा। साथ में भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं मज़ेदार एड ऑन फीचर आपको कौन सा लगा? सबसे बड़ी बात ऐसी है कि क्रूज कंट्रोल कैसा है कि सबके बजट में भी आएगा, बजट और मेन फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा रखेगा। जो हाईवे बन रहे हैं दिल्ली और मुंबई का जो हाईवे बन रहा है उसमें लंबा स्ट्रेच है, लंबा स्ट्रेच एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। घूम फिर के हम जितने भी फीचर्स हैं अभी तक हम बात कर रहे थे, अब जल्दी हम उसका एक्सपीरियंस करने के लिए जाएंगे, तो आप बाहर चलते हैं और देख कर आते हैं। तो गाइस, सारी गाड़ियों के बारे में बेसिक डिस्कशन करने के बाद में अब हम डे टू पे एक्सपीरियंस करेंगे इन सारी गाड़ियों को चलाकर या अंदर बैठकर। सो फिलहाल इन गाड़ियों को अब अलविदा करते हैं।
कल अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। गाड़ियों का अभी तक जो एक्सपीरियंस था उसमें बहुत मज़ा आया। सेम टाइम पर बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ ट्रक्स और कार्स के ऊपर इन्हीं गाड़ियों के ऊपर व्लॉग बनाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई, स्पेशली हमें भाई ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। थैंक यू सो मच। और अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर जो हमारा अभी तक का पूरा जो नॉलेज मिला वो सिर्फ ये था कि टाटा ने ना सिर्फ गाड़ियों के अंदर ना फेस टू में ही चेंज नहीं करे, उन्होंने बेसिकली गाड़ियों को और ज़्यादा इम्प्रूव करा है इन सेंस ऑफ माइलेज, इन सेंस ऑफ परफॉर्मेंस, इन सेंस ऑफ ड्राइवेबिलिटी। सो ये रही सारी की सारी आज की बातें। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।